हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था कि जब तुम्हारा लिक्विड के अंदर तुमने कोई सॉलिड को डाल दिया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था। कि लाइक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, तुमने उसके अंदर कोई भी मिट्टी डाल दिया, कुछ भी चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, कुछ भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, है ना। वो था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका फॉर्मूला हम देख चुके थे, वो क्या था, डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी नॉट माइनस में टी बी, सॉरी टी बी माइनस में टी बी नॉट, ये था ना डेल टी बी, है ना। वो किसके इक्वल था, डेल टी बी किसके इक्वल था, के बी एम के इक्वल। डेल टी बी क्या था तुम्हारा, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया जो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा। टी बी क्या था तुम्हारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एंड टी बी नॉट क्या था तुम्हारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ये इससे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होता था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड से, है ना, ठीक है। ये सब हम देख चुके थे। के बी क्या था तुम्हारा, के बी था तुम्हारा मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। एम थी तुम्हारी मोलेलिटी। इस पर हम नोमेरिकल भी देख चुके थे, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये हमारी सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा बच्चों, इसको समझने से पहले एक चीज़ देखते हैं। तुम्हें पता है कि ये लाइक ये पानी है, वाटर है इसके अंदर, इसको अगर हम फ्रीज़ करें तो ये कितने फ्रीज़ हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज़ हो जाता है। अब तुमने क्या करा इसके अंदर, मान लो पानी के अंदर तुमने क्या करा, इसी पानी के अंदर तुमने क्या डाल दी, मिट्टी डाल दी, सॉइल डाल दी, इसके ऊपर सॉइल डाल दी। अब क्या जो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले फ्रीज़ हो रहा था, क्या अभी उसी सेम टेम्परेचर पे फ्रीज़ होगा? नहीं होगा, कुछ ना कुछ कम पे होगा ना, ये तो पता ही हमको। तो कि लाइक पानी में मिट्टी डाल देंगे पहले, वो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, तो ऑफ कोर्स अब और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा कि वो फ्रीज़ हो जाए। तो मान लो अभी हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम। इसी को ही क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस में टी एफ, है ना। टी एफ नॉट क्या है हमारा, प्योर वाले का ना, तो ये कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। और ये टी एफ क्या है, सॉल्यूशन का, जिसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया हुआ है, -2। तो चेंज कितना हो गया ओवरऑल, 2 डिग्री सेल्सियस का। कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया, कितना कम हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको ऐसे भी देख सकते हो, तो ये मालूम होगा कि पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत 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 पास पास होते हैं। अभी पानी को बर्फ बनने के लिए मॉलिक्यूल को पास पास आना पड़ेगा। बट क्या होगा, जब पानी फ्रीज हो रहा होगा उसके मॉलिक्यूल पास आ रहे होंगे, तो मिट्टी के पार्टिकल बीच में आएंगे ना, कबाब में हड्डी बनेंगे, बीच में आएंगे, तो क्या वो फ्रीज़ होने में थोड़ी उनको परेशानी होगी, तो इस वजह से टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा कि वो फ्रीज़ हो जाए। तो कुल मिला के डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, कि तुम्हारा टेम्परेचर का और कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर का और कम आ जाना। कि पानी तुम्हारा पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, अब कितने पे हो रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस पे, ही है तुम्हारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अब इसको कर्व की तरह समझते हैं, जैसे हमने लास्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला कर्व से समझा था। उससे पहले ये कुछ बातें देखो, डिप्रेशन मतलब क्या होता है, डिक्रीज, एलिवेशन मतलब क्या होता था, इंक्रीज। अच्छा तुम्हें और ये भी मालूम है, सॉल्यूट में जब सॉल्वेंट डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ये सब बात तुम्हें मालूम है। एक बात और याद रखना कि ना वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट के। फ्रीजिंग पॉइंट मान लो कि तुम्हारे जैसे पानी में तुमने जितनी ज़्यादा मिट्टी डाली उतना कम वेपर प्रेशर होगा, उतना ही कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, है ना। वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट के, कि पानी में तुमने जितनी मिट्टी डाली उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम हुआ और उतना ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ। अच्छा बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखो। फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस। अच्छा बच्चों, एक चीज़ देखो, ये क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस। तुम्हें याद है कि हमने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस पढ़े थे। वोलेटाइल सब्सटेंस कौन थे जो वेपर प्रेशर को प्रोड्यूस करते थे, लाइक बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, लिक्विड वाटर या जितने भी मतलब लिक्विड थे जनरली, वो थे वोलेटाइल सब्सटेंस, है ना, जो एवोपरेट हो जाते थे। नॉन वोलेटाइल कौन थे जो एवोपरेट नहीं होते थे, वेपर प्रेशर प्रोड्यूस नहीं करते थे, जैसे हमने देख लिया था सॉइल, रॉक, पत्थर, तुम्हारा यूरिया, है ना, ये सब हमने कितनी सारी चीज़ें हमने देखी थी। पर ना हमने बोला था कि जनरली नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस सॉलिड होते हैं, पर ना हर कोई सॉलिड सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल नहीं होता, कोई कोई सॉलिड सब्सटेंस
वोलेटाइल भी होता है, भले ही बहुत कम वोलेटाइल होता है, बहुत कम वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करता है, बट वो मतलब वोलेटाइल होता है, मतलब कोई कोई जैसा कि एग्जांपल ड्राई आइस कि बहुत कम लेवल पे वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करता है। तो कहने का मतलब यह, हर एक सॉलिड सब्सटेंस तुम्हारा नॉन वोलेटाइल नहीं होता, उसमें से कुछ वोलेटाइल भी होते हैं जो बहुत ही कम लेवल के वोलेटाइल होते हैं ना। अच्छा देखो, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे तुम्हारा वेपर प्रेशर लिक्विड का सॉलिड के इक्वल हो जाए। तुम्हें मालूम है लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है कुछ ना कुछ, और सॉलिड का हम बोल रहे हैं बहुत थोड़ा होगा, है ना, कि जब वो लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो तुम्हारा लिक्विड क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इसे देखो कर्व से समझते हैं, कर्व से देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे तुम्हारा क्या है, वेपर प्रेशर है ना, और जेड एक्सिस पे क्या है तुम्हारा, एक्स एक्सिस पे तुम्हारा क्या है, टेम्परेचर। तो ये मालूम है वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो मान लो ये कोई सॉलिड का कर्व है, कि मान लो जो सॉलिड है उसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बहुत कम वेपर प्रेशर है उसका, ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बहुत कम वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कम वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कम है उसका सॉलिड का वेपर प्रेशर ना, ये कर्व है सॉलिड का। जैसे मान लो ये बर्फ़ का, बर्फ़ सॉलिड है, उसका मान लो कि वेपर प्रेशर कर्व है कि बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मान लो तुमने कोई पानी लिया, प्योर पानी लिया, प्योर लिक्विड लिया, उसका तुमने क्या करा, उसका तुमने मतलब बर्फ़ जमाने के लिए, आइस को बनाने के लिए उस प्योर लिक्विड का तुमने टेम्परेचर कम करना चालू करा तो वेपर प्रेशर भी कम होता गया, वेपर प्रेशर भी कम होता गया। अच्छा, ये फ्रीज कब हो जाएगा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आया कि जब ये तुम्हारा टेम्परेचर कम करते गए, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, तो इस टाइम पे क्या हुआ, तुम्हारा ये लिक्विड जो था प्योर पानी, ये फ्रीज हो गया, इसको हमने बोल दिया टी एफ नॉट। इस टेम्परेचर को हमने क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर या प्योर लिक्विड। अब हमने क्या करा, मान लो उसी पानी के अंदर हमने मिट्टी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया सॉरी, ठीक है, उसके अंदर डाला, तो उसका वेपर प्रेशर और कम हुआ, वेपर प्रेशर कम होगा ना, जब पानी के अंदर मिट्टी डालेंगे तो मान लो थोड़ा सा वेपर प्रेशर कम होगा। अब हम इसे फिर से फ्रीज करना चाह रहे हैं, हमें फ्रीज करने के लिए इसे कहाँ तक, यहाँ तक लेके आना पड़ेगा सॉलिड के वेपर प्रेशर तक, ये तो प्योर लिक्विड है, ठीक है, प्योर लिक्विड का कर्व है ये, ठीक है। हम उस सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सॉलिड के वेपर प्रेशर तक पहुंच जाएगा, जैसे ही सॉलिड के वेपर प्रेशर पे पहुंचा तो तुम्हारा क्या हो गया, फ्रीज हो गया। तो इस टेम्परेचर को हमने क्या बोल दिया, टी एफ, ये सॉल्यूशन का कर्व है, और जो तुम्हारा टी एफ है किसका है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है ना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। डेफिनेशन के हिसाब से चल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, तो इधर से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो गया, सॉलिड के, तो फ्रीज हो गया। जब सॉल्यूशन वेपर प्रेशर के, सॉलिड वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया तो ये भी फ्रीज हो गया। देखो इसके अंदर कमी आई, जब इधर से इधर आएंगे तो कम होगा, मान लो इसका था जैसे ये, मान लो ये जो फ्रीज हो रहा था 0°C पे हो रहा था, अब ये सॉल्यूशन कितने फ्रीज होने लगा, -2°C पे, जो भी ये चेंज आया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टी एफ, कि जितना भी चेंज आया डेल्टी एफ क्या है तुम्हारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितने से कम हुआ, 2 से कम हुआ, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, तुम्हें अगर इधर से अच्छे से समझ ना आ रहा हो ना, तो NCERT में तुम्हारी गिवन है, तो वहाँ से देख लेना, तुम्हें उधर से अच्छे से विजिबल हो जाएगा, कह रहा कि मेनली वीडियो की विजिबिलिटी की वजह से तुम्हें ठीक से ना देखें। एक बार इसको फिर से देख लो, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब सॉलिड के इक्वल हो जाए, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल, तो तुम्हारा फ्रीज हो जाता है उस टेम्परेचर पे। अब देखो ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है जो कि बहुत कम है ना, सॉलिड का वेपर प्रेशर है बहुत कम है। अब तुमने क्या लिया, प्योर वाटर लिया, उसका तुमने टेम्परेचर कम करते गए फ्रीज करने के लिए, वेपर प्रेशर कम होता गया। एक टाइम ऐसा आया जब सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल पहुंच गया, तो वहाँ पे तुम्हारा वो फ्रीज हो गया, उसी टेम्परेचर को हमने बोल दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। अब हमने क्या करा, पानी के अंदर मिट्टी डाल दिया, कुछ भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, हमने क्या करा, फिर से उसका वेपर प्रेशर, इससे तो कम था, कमी होगा ना, हमने क्या करा, उसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर कम करते गए वेपर प्रेशर कम होता गया। एक टाइम ऐसा आया जब सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया,
तो उसको हमने क्या बोल दिया, उस पॉइंट पे फ्रीज हो गया था, उसको क्या बोल दिया हमने कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों एक बात याद रखना, लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ कोर्स सॉलिड से ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का भी ऑफ कोर्स सॉलिड से ज़्यादा होगा, है ना। तो बस ये थोड़ा सा प्लॉट है, एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन है, वहाँ पे तुम्हें विजिबल हो जाएगा, एक बार खुद से समझने की कोशिश करना हो जाएगा। तो इसी से ही समझाते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब देखो अपना बाकी सब चीज़ें चलेंगी, वो जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, सब उसकी तरह ही है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं समझने के लिए, बस ये था, बस एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर TF नोट आगे होगा, उसके अंदर TB नोट आगे था, उसके अंदर TB आ गया था, इसके अंदर TF नोट आ गया, यानी कि उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, डेल TB का TB माइनस में TB नॉट, TB क्या था तुम्हारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। इसका क्या फॉर्मूला है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बस इस चीज़ का डिफरेंस रखना, ध्यान रखना, बाकी सब चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब देखो मान लो इनिशियली प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है TF नॉट, ठीक है, कि जो पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है TF नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है TF, ये सब हमने देख लिया। तो डेल TF क्या आ गया हमारा, TF नॉट माइनस में TF। जैसे पिछली बार की तरह बॉइलिंग पॉइंट की तरह तुम्हें मालूम है कि फ्रीजिंग पॉइंट में उतना ज़्यादा कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज़्यादा उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल्स होंगे, या जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे। तुम्हें पता डेल TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलैलिटी के, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलैलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ मोल्स के। तो इधर से क्या रिलेशन आ सकता है, डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना ज़्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना ज़्यादा होगा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, कि पानी के अंदर जितनी ज़्यादा मिट्टी डालते जाओगे उतना ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, है ना। और TF नॉट ग्रेटर देन TF होगा। तो डेल TF क्या है तुम्हारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF क्या है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, M क्या है मोलैलिटी, ठीक है बच्चों। बस ये फॉर्मूला हमारा काम का, ये इस पर टोर्च मार के रखना, ये दो फॉर्मूले हमारे काम के हैं, और सब होता जाएगा सब उसकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है। आगे चलते हैं, देखो सिमिलरली KF की यूनिट भी क्या आ जाएगी, केल्विन kg मोल इनवर्स। डेल TF क्या होता है हमारा, केल्विन टेम्परेचर की यूनिट क्या, केल्विन, मोलैलिटी के मोल पर kg, मोल पर kg के ऊपर लिखेंगे क्या हुआ, मोल इनवर्स, और kg इनवर्स का क्या हो जाएगा kg। तो इधर से हमारी KF की यूनिट आ गई। अच्छा अब KF को डिफाइन करने के लिए बोल दे तो कैसे डिफाइन करोगे, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो KF क्या है तुम्हारा, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट की क्या भी डेफिनेशन आ जाएंगी, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1। कि जब मान लो तुम्हारा डेल TF का फॉर्मूला क्या है, KFm, तो तुम्हारा KF किसके इक्वल हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब तुम्हारी मोलैलिटी 1 हो जाएगी। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, देख लेना समझ आ जाएगी। और देखो KF किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि हर एक सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू अलग होती है। अच्छा बच्चों जैसे ना KB का हमने दिखा था एक थर्मोडाइनमिक से फॉर्मूला आया था, KF का भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार तुम्हें आइडिया होना चाहिए। KF का फॉर्मूला क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, जिसका जो केल्विन में होगा, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि जब भी कोई हीट रिलीज हो जब सॉलिड से लिक्विड बने, यानी कि जब आइस से पानी बने, तो जो भी हीट रिलीज हो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कि जो भी हीट निकले या लगे उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, जो सॉलिड से लिक्विड यानी कि जब सॉलिड से लिक्विड बनता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग, जब सॉलिड से लिक्विड बनता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग, या उसको फ्यूज़न भी बोल देते हैं, है ना, उसको फ्यूज़न भी बोल देते हैं। तो ये कौन से टेम्परेचर पे, वाटर की बात कर रहे हैं, ये कौन से टेम्परेचर पे होने लगता है, 0°C पे, यानी कि मेल्टिंग पानी कितने टेम्परेचर पे ही चालू हो जाती है, 0°C पे, और पानी की फ्रीजिंग भी कितने टेम्परेचर पे ही चालू हो जाती है, 0°C पे। तो बस एक बात याद रखना, पानी से बर्फ़ कौन से टेम्परेचर पे बनती है, मतलब कौन से टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाता है, 0°C पे, ठीक है। और तुम्हारा बर्फ़ से पानी कौन से टेम्परेचर पे बनने लग जाती है, यानी कि मेल्टिंग कितने टेम्परेचर पे होने लग जाती है, 0°C पे। तो दोनों एक ही टेम्परेचर पे होते हैं। और फ्यूज़न क्या होता है तुम्हारा, सॉलिड से लिक्विड बना, यानी कि मेल्टिंग को ही फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये सब पिछली बार की तरह है, अब थोड़े न्यूमेरिकल देखते हैं तुम्हें और क्लियर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, थोड़ी न्यूमेरिकल देखेंगे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अच्छा बच्चों देखो ये क्या बोल रहा है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्या बोल रहा है, 600 ग्राम पानी में 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया। ठीक है बच्चों। अब ठीक है, अब एक और ये बोल रहा है कि के एफ वाटर का क्या माना है, 1.86 के एफ का वाटर की माना है। अब ये बोल रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, यानी कि डेल्टी एफ निकालो, और सेकेंड में पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो, यानी कि टी एफ पूछ रहा है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टी एफ, और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टी एफ नॉट, या प्योर लिक्विड का क्या होता है, टी एफ नॉट। अब देखो हमें क्या गिवन है, गिवन मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास गिवन है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, और मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 62 ग्राम। अब देखो हमें क्या पूछा है, डेल्टी एफ पूछा, डेल्टी एफ का फॉर्मूला होता है, डेल्टी एफ का फॉर्मूला होता है के एफ इंटू में एम, के एफ हमें गिवन है, मोलेलिटी निकाल लो। मोलेलिटी कैसे निकाल लेंगे, मोलेलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का 45, और मोलर मास कितना है 62, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है, 600 ग्राम, इसको जब केजी में करो अपॉन में 1000 हो गया। इसको इधर ले जाओ, मैथमेटिक्स लाओगे उसको ऊपर ले जाओगे, तो इधर से हमने ये पुट कर दिया, तो इधर से हमारा आ गया डेल्टी एफ। अभी पूछो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो, डेल्टी एफ क्या होता है तुम्हारा, टी एफ नॉट माइनस में टी एफ। अभी देखा ना अब देखो टी एफ क्या है तुम्हारा, लाइक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको इधर ले जाओ, डेल्टी एफ को इधर ले जाओ, डेल्टी एफ हमने निकाल दिया, तो ये मालूम है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर प्योर वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करा 273.15, ठीक है, तो इधर से तुम्हारा टी एफ आ जाएगा 270.9 केल्विन। ईजी है बच्चों, प्रैक्टिस करोगे पक्का हो जाएगा। बस तुम्हें क्या पता करना है, बस फॉर्मूला तुमको मालूम होना चाहिए, और थोड़ी मैथमेटिक्स निकालनी है, और हो जाएगा बस, तुम और पहचानना है कि कौन सी चीज़ क्या की माना। अब सेकंड क्या बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑन बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। क्या बोल रहा है कि 50 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाला, कोई सॉल्यूट डाला, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितने से कम हो गया, 0.40 केल्विन से। ये बोल रहा है 0.40 केल्विन से कन्वर्ट कम हो गया, तो यानी कि क्या बोल रहा है, डिप्रेशन कितना होगा फ्रीजिंग पॉइंट में ना, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना होगा, ये इतने दे दिया, इतने के एफ भी दे दिया। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12, ये भी इसने दे दिया, और मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया, 1 ग्राम, ठीक है। और हमसे पूछ कह रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ से निकल सकता है, तुम्हें पता है मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो वहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, इसके फॉर्मूले से आ जाएगा ना। तो देखो किस तरह से करेंगे, डेल्टी एफ मालूम है, डेल्टी एफ किसके इक्वल है, के एफ इंटू में एम, डेल्टी एफ दिया है, के एफ दिया है, मोलेलिटी के फॉर्मूले में पुट करो, मोलेलिटी क्या होती है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, सॉरी मोलेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू में, मतलब अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 1000 से डिवाइड कर दिया केजी में कन्वर्ट करने के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम है ना, तो इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए मैथमेटिक्स लगा के, तो इधर से मोलेलिटी आ गई, आई होप ये भी मोलेरिटी, इधर से मोलर मास आ गया, आई होप ये भी क्लियर हो जाएगा। ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, पक्का हो जाएगा। अब अगला देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी C6H8O6 टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। मैंने तुम्हें बोला था कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक ही टेम्परेचर पर होती है ना, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट दिया हो तो उसे तुम फ्रीजिंग पॉइंट भी मान सकते हो, कि उसी टेम्परेचर पर फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो ये बोल रहे हैं कि उसकी जो मेल्टिंग है या जो फ्रीजिंग है 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो गई, तो यानी कि बता रहे हैं कितने से कम हो गया, तो ये फिर से क्या बोल दिया, डेल्टी है 1.5 डिग्री सेल्सियस में बोल रहा है, इसको चाहे 1.5 केल्विन भी लिख लो, कितने केल्विन, इतने कम, यानी कि मतलब इतने टेम्परेचर से कम हुई है 1.5 केल्विन या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हुई है उसका जो टेम्परेचर था। मान लो कि पहले तुम्हारा हो रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब कितने पे हो रहा है, -1.5 पे, मतलब उस तरह से बस ये बताएगी कितना कम हुआ है, तो यानी कि डेल्टी एफ की मैंने, ठीक है।
और हमसे पूछा मास ऑफ एस कोर्बिक एसिड। पिछले क्वेश्चन ने पूछा क्या पूछा था, मोलर मास, इसमें पूछा गिवन मास, बस पिछली बार की तरह करेंगे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 75 ग्राम, केएफ गिवन है 3.9। चलो पुट करते हैं फॉर्मूले में। डेल टी एफ क्या है तुम्हारा, 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 केल्विन। गिवन मास पूछ रहा है, डब्ल्यू पूछ रहा है, मोलर मास सॉल्यूट का निकाल लेंगे, 176 आया। ठीक है बच्चों, अभी पूछा है मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ, नहीं सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट तो इसने दिया है, ये पूछा है कि मास ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट निकालो। ठीक है बच्चों, तो देखो डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ इंटू मैम, डेल टी एफ क्या है तुम्हारा 1.5 और के एफ क्या है तुम्हारा 3.9। हमसे क्या पूछा, गिवन मास, मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करो, गिवन मास अपन में मोलर मास, गिवन मास निकालना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में कितना हो जाएगा 75/1000, सॉल्वेंट 75 ग्राम गिवन था ना, पुट करो 75 को इधर रखो, 1000 ऊपर हुआ तो इधर से तुम्हारा डब्ल्यू आ गया। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जस्ट तुम्हें क्या करना, क्या करना है, मोलरिटी का फॉर्मूला वगैरह मालूम होना चाहिए। प्लीज़ बच्चों ट्राई करना, हो जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा बच्चों, इसके बाद तुम्हारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी होगी, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो डेल टी एफ किसके प्रोपोर्शनल होता है एम, और एम किसके प्रोपोर्शनल होता है एन के, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि उसके प्रोपोर्शनल हो गया, तो डेल टी एफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो ये भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि इस पर डिपेंड करी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे। तो हमारी ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बची है ऑस्मोटिक प्रेशर, नेक में उसको देखेंगे, और उसके बाद हम करेंगे आपका फेंटो फैक्टर, फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा। और एक और बात बच्चों कि ना, कल मैं मॉर्निंग में तुम्हें एक असाइनमेंट दूंगा जिसके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ खुद से करने की कोशिश करना, फॉर्मूले वगैरह देख लेना अगर ना आते हो। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के राउंड में तुम्हें 6 क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, विद आंसर, तो तुम उसको ट्राई करके देख लेना। फिर शाम को 6 बजे के राउंड उसका मैं सॉल्यूशन भेजूंगा वीडियो बना के। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।